33 FIR हैं, कोई FIA की है, नैब के बारे में तफसीलात अभी मांगी जा रही हैं कि वो भी फराहम करें। आज हुकूमत पंजाब की तरफ से जज पे एतराज़ उठाने की कोशिश की गई, ये तौहीन अदालत है। अदालत ने भी बड़ा वाज़ेह कह दिया कि ये जो TV पे बैठकर अदालतों की तौहीन की जा रही है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। प्रोटेक्टिव बेल लेना हर एक का हक है और वो ये ले रहा है, और बाकी जो है वो कानून के मुताबिक और काम हो रहा है, आर्टिकल 4 और 5 की अमलदारी हो रही है। जनाब इमरान खान साहब ने बताया कि उनका इलेक्शन जो है वो घर से अदालतों की तरफ या वोकला की तरफ रह गया है, और इलेक्शन साफ शफाफ तरीके से नहीं हो रहा है, हर्डल क्रिएट की जा रही है। इस हुकूमत का काम सिर्फ पर्चे है, यानी कुछ पर्चों में जमानत होती है, नए पर्चे आ जाते हैं, हर पेशी पे पर्चे आ जाते हैं। अदालत की तारीफ की कि इस अदालत की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इमरान खान साहब यहाँ अदालतों में पेश हुए हैं, और अब तीसरी पेशी थी इन दिनों के अंदर। कोई आंसू गैस का शैल, कोई तोड़फोड़ नजर आई हो, कोई मार कुटाई नजर आई हो, लेकिन इस्लामाबाद जब जाना होता है तो इस्लामाबाद में कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का को क्रेडिट है कि उन्होंने बुनियादी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए बहुत काम किया है। तमाम FIRों की तफसीलात मांग ली गई हैं, और उसके अलावा जो जमान पा के ऊपर एक्शन हुआ है उसके हवाले से अदालत ने नोटिस कर दिया है 28 मार्च के लिए कि वो अगर अदालत की मुआवरत करें और नोटिस का जवाब दें। नजफी को लग गया।